जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। छोटे यूट्यूबर हो आपके एक सब्सक्राइब मायने रखते हैं। दोस्तों स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया पे एग्जीक्यूटिव का रिक्रूटमेंट होने वाला है। टोटल ज़्यादा पोस्ट नहीं है, टोटल 7 पोस्ट है और ये 7 पोस्ट अलग अलग 7 राज्यों पर होने वाला है। दोस्तों सैलरी आप लोगों को मिलेगा 30,000 से लेकर 35,000 और इसके लिए जो आपका एज लिमिट चाहिए आयु मैक्सिमम 40 या इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन BSc अथवा MSc होने से आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्ट्रीम पे। जॉब कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, लेकिन दोस्तों ये जो नौकरी है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होने वाला है। जॉब लोकेशन कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जॉब लोकेशन 7 डिफरेंट स्टेट अलग अलग, वो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि स्टेट पर कितना पोस्ट है। सिलेक्शन प्रोसेस शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा, पहले आप लोगों की क्वालिफिकेशन के जो मार्क्स है मार्क्स के ऊपर बेसिस करके, उसके बाद आप लोगों को रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू, ये दोनों में से कोई भी एक होगा, उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अभी नहीं बताया गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया जो ये जो अप्लाई का कोर्स है इस टाइम पर आप लोगों को ईमेल या फिर किसी फ़ोन करके आपको सूचित कर दिया जाएगा। अगर आप शॉर्टलिस्टिंग लिस्ट में आते हो आपको एग्ज़ाम देना होगा या इंटरव्यू देना होगा बोल देगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी। ऑनलाइन ईमेल के थ्रू अप्लाई करना है, ईमेल एड्रेस है आप लोगों के लिए, और ऑफलाइन पोस्टल एड्रेस है, ठीक है, हार्ड कॉपी देख सकते हैं। अप्लाई स्टार्ट हो गया है 11 सितंबर से। अप्लाई का जो लास्ट डेट है ऑनलाइन का लास्ट डेट है 7 अक्टूबर 2024 और ऑफलाइन का लास्ट डेट हार्ड कॉपी सेंड करने का लास्ट डेट 14 अक्टूबर 2024। देखिए ऑनलाइन जो आप लोगों को ईमेल के थ्रू सेंड करना होगा hrd.sb-ker@gov.in। दोस्तों ऑनलाइन ये ऑनलाइन अप्लाई मिले और हार्ड कॉपी जो सेंड करना होगा आपका, हार्ड कॉपी सेंड करने का जो एड्रेस आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेक्रेटरी स्पाइस बोर्ड कुची। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर नहीं बताए गए हैं, ठीक है। ऑफिशियल साइट www.indianspices.com। दोस्तों ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं स्पाइस बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर बताए गए हैं ये जो एंगेजमेंट होने वाला है एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट का, देखिए नोटिफिकेशन जो नंबर है 42/2024। दोस्तों एप्लीकेशन इन्वाइट किए गए हैं स्पाइस बोर्ड के द्वारा, यहाँ पर बोला गया है जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होना इनिशियली शुरुआत में 1 साल के लिए होगा और बाद में प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट या फिर आपकी जो परफॉर्मेंस के बेसिस पर और भी 1 साल बढ़ाया जा सकता है, यानी 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे रिक्रूटमेंट होने वाला है। उसे एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट यहाँ पर देखिए पोस्ट असाइनमेंट स्टेट का नाम गुवाहाटी आसाम के लिए 1 पोस्ट, ईटानगर अरुणाचल के लिए 1 पोस्ट, मानगन सिक्किम के लिए 1 पोस्ट, ऊना HP के लिए 1 पोस्ट, नागरचोली तमिलनाडु के लिए 1 पोस्ट, पोंडा गोवा के लिए 1 पोस्ट, ओरंगल तमिलनाडु के लिए सॉरी फ्रेंड्स तेलंगाना के लिए 1 पोस्ट, टोटल 7 पोस्ट। क्वालिफिकेशन BSc एग्री हॉर्टी एंड फॉरेस्ट्री, माफ़ कीजिएगा मैं थोड़ी देर पहले बोला था कि किसी भी स्ट्रीम पे BSc या फिर MSc होने से आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए सॉरी एक्सट्रीमली। दोस्तों और रेगुलर कोर्स होना चाहिए अथवा MSc बुटानी खास करके जनरल अथवा स्पेशलाइजेशन, MSc बुटानी जनरल भी अप्लाई कर सकते हैं, MSc बुटानी स्पेशलाइजेशन भी अप्लाई कर सकते हैं और रेगुलर कोर्स होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए आपकी डिग्री या फिर MSc के दौरान। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 40, 40 साल क्रॉस नहीं करना चाहिए। दोस्तों एक्सपीरियंस मिनिमम 2 ईयर इन द रेस्पेक्टिव एरिया ऑफ स्टडी इन एग्री अथवा हॉर्टी रिलेटेड फील्ड, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस रेस्पेक्टिव एक्सपीरियंस भी मांगा गया है रेस्पेक्टिव एरिया पे, जो आपका क्या है एग्री हॉर्टी फॉरेस्ट्री एग्री, ठीक है, स्टडी इन एग्री अथवा हॉर्टी रिलेटेड फील्ड। रिमेन्यूशन आपको जो सैलरी दिया जाएगा 30,000 पहले ईयर में दिया जाएगा, अगर दूसरा ईयर के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है तो 35 ईयर दिया जाएगा। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट वन ईयर एंड मोर। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन द रिटन टेस्ट एंड
ओब्लिक दिया देगा, ओब्लिक और इंटरव्यू, ये दोनों में से कोई भी एक होगा। वेन्यू एट डेट टाइम एंड इंटरव्यू, वो आपको देखिए स्पाइस बोर्ड एट द कॉन्सर्न डेट एंड टाइम विल बी इंटीमेटेड ड्यू कोर्स, आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान आप लोगों को किसी न किसी तरह आपको सूचित कर दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई करना है आप लोगों को, ये देखिए जो ईमेल एड्रेस यहाँ पर दिया, जो मैंने आप लोगों को बताया hrd.sb-kir@gov.in, यहाँ पर आप लोगों को एप्लीकेशन भेजना होगा। आइए दोस्तों देखते हैं एप्लीकेशन किस प्रकार होगा और इसको कैसे फिलअप करेंगे। फिलअप करके आप लोगों को भेजना होगा 7 तारीख के बीच में ऑनलाइन, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का एकदम नीचे दिया हुआ है ये एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं, ठीक है। लोकेशन आप कहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो किस जगह से ले, और इस तरह फोटो दे दीजिएगा। नेम ऑफ द पोजिशन अप्लाइड फॉर एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट लोकेशन, कैंडिडेट शुड क्लियरली मैंशन द लोकेशन इज देयर चॉइस, आपका चॉइस आप कहाँ पर नौकरी करना चाहते हो, ये 7 जो जगह है आपका कौन सा प्लेस के लिए अप्लाई कर रहे हो वो आप लोग यहाँ पर क्लियर लिख दीजिएगा। फुल नेम इन ब्लॉक लेटर, आपका नाम बड़े अक्षर में लिखना है, जेंडर मेल हो तो मेल, महिला हो तो महिला, ट्रांसजेंडर हो तो ट्रांसजेंडर, टिक मार्क कर दीजिएगा राइट मार्क। उसके बाद फादर एंड हस्बैंड का नाम, आपके पिताजी या फिर आपके पति का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल, मोबाइल नंबर एंड टेलीफोन, मोबाइल नंबर वैलिड मोबाइल नंबर दीजिएगा ताकि आपको अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हो तो आपको बुलाया जाएगा या फ़ोन करेगा या फिर ईमेल करेगा, ईमेल आईडी भी वैलिड ईमेल आईडी दीजिएगा जीमेल। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, आपके साथ संपर्क कर सके ऐसा कोई एड्रेस, और पिन कोड जरूर दीजिएगा। परमानेंट एड्रेस जो आपके आधार कार्ड वोटर आईडी में जो एड्रेस है आपका वो दे दीजिएगा। 10 नंबर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट सबमिटेड यहाँ पर देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, एज नॉट मोर देन 40 ईयर एज ऑन, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी डिटेल्स डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स, यहाँ पर डिटेल्स क्या लिखा डिटेल्स तो नहीं मालूम, डेट ऑफ बर्थ एज, डेट ऑफ बर्थ मतलब ए के साइड में डेट ऑफ बर्थ लिखना है और नीचे एज लिखना है, वर्तमान में आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वर्तमान में आपका आयु कितना है, इतना ईयर इतना मंथ इतना दिन, इस प्रकार से आपको लिखना होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट अटैच मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ का जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपने अटैच किया है, मतलब अटैच करना है ईमेल के साथ, अगर करना है तो येस, नहीं करना है तो नो, येस करना ही तो पड़ेगा क्योंकि आपको सबमिट करना होगा ना डॉक्यूमेंट। वेरीफिकेशन ऑफिस पर्पस ओनली, वेरीफिकेशन ये ऑफिस पर्पस ओनली, इस कॉलम में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी एडुकेशनल क्वालिफिकेशन लिख दीजिएगा, BSc अथवा MSc किया है आपको लिखना है, और नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी आपके कौन से यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है, और ईयर ऑफ पासिंग कब पास किया है, क्लास ऑप्टेंड विद परसेंट ऑफ मार्क, आप कितना परसेंट के साथ अपने पास मार्क कितना मिला है और कितना परसेंटेज कितना है, ठीक है, कितना परसेंट के साथ आपने पास किया है। डिटेल्स एक्सपीरियंस दोस्तों, अगर आपने एक्सपीरियंस जो 2 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है 40 या फिर एग्री में रिलेटेड फील्ड में वो लिखना है, कहाँ से आपने किया है, एरिया ऑफ एक्सपीरियंस आपने कौन से एरिया में एक्सपीरियंस लिया है जो फील्ड किया था, और पोजीशन हेल्ड किस पोजीशन में आपने ये एक्सपीरियंस लेते वक्त जहाँ से आपने एक्सपीरियंस लिया वहाँ पर आप किस पोजीशन में काम कर रहे थे, ठीक है। हो सकता है मैनेजर जनरल इस प्रकार होता नहीं है, मैनेजर एग्जीक्यूटिव जनरल मैनेजर इस तरह का, ठीक है, लिख दीजिएगा आपका पोजीशन क्या था। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन जिस इंस्टीट्यूशन से आपने एक्सपीरियंस लिया वो इंस्टीट्यूशन का नाम, फ्रॉम एंड टू कब से लेकर कब तक, ठीक है, कंप्लीटेड ईयर एंड मंथ कब आपने कंप्लीट किया कोर्स एक्सपीरियंस कंप्लीट किया वो लिख दीजिएगा, ठीक है, ईयर ऑफ मंथ फ्रॉम पहले ईयर और लास्ट जो सेकंड कॉलम है कंप्लीटेड ईयर एंड मंथ मतलब किस साल में कंप्लीट किया, साल की किस महीने में कंप्लीट किया। डॉक्यूमेंट अटैच्ड अगर एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट है वो अटैच कर दीजिएगा, अगर अटैच करना है तो येस दीजिएगा, नहीं करना है तो नो दीजिएगा, ठीक है। आपका एप्लीकेशन यहीं पर ख़त्म होता है, वहाँ पर आपका नीचे आपका डिक्लेरेशन ख़त्म होते हैं, नीचे आपका सिग्नेचर, ये देखिए जूम करना पड़ रहा है, ये लास्ट पेज था एकदम नीचे, सिग्नेचर आपका नाम,
ठीक है, और इधर में डेट एंड प्लेस प्लेस दीजिएगा, और जहाँ से आपने अप्लाई किया आपका घर, ठीक है, आपका घर का एड्रेस प्लेस लिख के आप लोगों को डेट लिख के सबमिट कर देना है, सेंड कर देना है 7 अक्टूबर 2024 से पहले ईमेल के थ्रू, जो ईमेल एड्रेस आप लोगों को मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था। और उसके बाद आप लोगों को ये प्रिंट आउट कर लेना है अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म, और प्रिंट आउट करके आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स कॉपी निकाल लीजिएगा सेल्फ अटेस्टेड, उसके बाद हार्ड कॉपी आप लोग 14 अक्टूबर के बीच में सेंड कर दीजिएगा सेक्रेटरी स्पाइस बोर्ड कुची पर, ठीक है। इधर मैं थोड़ा आप लोगों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों ये नोटिफिकेशन लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, सब्सक्राइब कर देंगे तो मेहनत का फल मिल जाएगा। धन्यवाद।